वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना का खात्मा करने के लिए देश में 16 जनवरी से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। टीकाकरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या या असुविधा का सामना न करना पड़े, इसको लेकर प्रदेश सहित जनपद मुरादाबाद में भी ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जनपद में आज 27 स्वास्थ्य केंद्रों 68 टीमों के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ड्राई रन का आयोजन किया गया। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और 15-15 लोगों का टीकाकरण करने का पूर्वाभ्यास टीमों के द्वारा किया गया। वहीं मुरादाबाद जनपद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर MC गर्ग ने बताया कि आज सभी चयनित केंद्रों पर टीकाकरण करने का टीमों के द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया है, ताकि 16 जनवरी को होने वाले वास्तविक टीकाकरण सफलतापूर्वक आसानी से किया जा सके। वास्तविक टीकाकरण जनपद में 9 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें से 3 स्थान रूरल और 6 स्थान अर्बन क्षेत्रों में है। वहीं इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि टीकाकरण का उद्देश्य यह नहीं कि लोग आवश्यक सावधानी की तरफ ध्यान देना बंद कर दें। अभी सभी लोग आवश्यक सावधानी बरतना जारी रखें। धीरे धीरे जब समाज में आवश्यक मात्रा में टीकाकरण हो जाएगा और लोगों की हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, तब कहीं जाकर इसमें ढिलाई दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। देखिए, मुरादाबाद जिले में है आज 27 जगह पे ड्राई रन का आयोजन किया गया है, और इनमें से प्रत्येक जगह 15-15 लोगों को टीके लगाने का अभ्यास किया जाएगा। इसके अंतर्गत मुरादाबाद जनपद में दिनांक 16/1 को वास्तविक टीकाकरण का आयोजन किया गया है। वो 9 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें से 3 स्थान मुरादाबाद जनपद के रूरल एरिया में हैं और 6 स्थान जनपद के अर्बन एरिया में। अतः बहुत प्रतीक्षित टीकाकरण अभियान का शुभारंभ दिनांक 16 तारीख से किया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि टीकाकरण का मतलब ये नहीं है कि वो आवश्यक सावधानी की तरफ ध्यान देना बंद कर दें। अभी आप आवश्यक सावधानी जारी रखें, धीरे धीरे जब समाज में पर्याप्त मात्रा में टीकाकरण हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, तभी हम इसमें ढिलाई देना अफोर्ड कर सकते हैं। तब तक सावधानियां जारी रखें। धन्यवाद।